अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम शामी कबाब बना रहे हैं। ये कबाब बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकिंग पॉट में शामिल करेंगे बीफ 500 ग्राम्स, चिकन 200 ग्राम्स, चना दाल 200 ग्राम्स, एक प्याज लेंगे, तेज पत्ता शामिल करेंगे एक अदद, साबुत धनिया शामिल करेंगे 2 टीस्पून, साबुत जीरा 2 टीस्पून, सब्ज इलायची 5 से 6, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, लौंग शामिल करेंगे 8 से 10, साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून, साबुत गोल लाल मिर्च शामिल करेंगे 10 से 12, हल्दी 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 2 टीस्पून, 2 कप पानी शामिल करके मिक्स कर लेंगे और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बीफ, दाल और चिकन को खूब अच्छी तरह से गला लेंगे। शामी कबाब के इस मिक्सचर को पकते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है इसकी। काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा ही पानी खुश्क होना बाकी है। अब हम बीफ को तोड़कर चेक कर लेते हैं आया कि गला है कि नहीं। बीफ खूब अच्छी तरह से गल चुका है, अब हम इसका जो पानी थोड़ा सा अभी रहता है वो ड्राई कर लेंगे। चिकन को हमने हड्डी के साथ इसलिए शामिल किया था कि उसकी जो हड्डियों का एक मज़े का फ्लेवर होता है वो इसमें शामिल हो सके। चिकन को हड्डी से अलग कर लेंगे और दोबारा से मीट इसमें शामिल कर देंगे। तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची जो हमने इसमें शामिल की थी उनका इसमें फ्लेवर आ चुका है, अब हम इसे हटा देते हैं। मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। अब हम इसे फूड प्रोसेसर में बाकी के जो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स अभी बाकी हैं उसके साथ पीस लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ग्रेट किया हुआ लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून, चॉप हरी मिर्च 2 से 3, हरा धनिया 4 टेबलस्पून। अब हम इस मिक्सचर को खूब अच्छी तरह से पीसना शुरू करते हैं। जितना अच्छा मिक्सचर पिस जाएगा उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। स्पैचुला की मदद से मिक्सचर को किनारों से हटाते जाएं और दोबारा से पीसते जाएं। मिक्सचर खूब अच्छी तरह से पीस चुका है, अब हम इसे बोल में निकाल लेते हैं। फिर इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। किसी भी तरह का गोल कवर लें और उसमें प्लास्टिक की थैली रखें और उससे भी आप कबाब की शेप दे सकते हैं। या फिर गोल कुकी कटर लें और उससे भी बहुत ही अच्छे कबाब तैयार होंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि किसी मशीन से बने। बोल में 2 अंडे शामिल करेंगे, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे और फिर उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। कबाब अंडे में डिप करके ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे। कबाब पर एक साइड पर कलर आने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाए। बहुत ही मज़े के कबाब तैयार हुए हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।